हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन, नीतीश किचन इन यूएसए। आज हम बनाने वाले हैं पनीर। इसके लिए लिया है मैंने होल मिल्क, जो रेड केप का होता है वो लिया है मैंने, और व्हीप क्रीम लिया है, एंड हमें दही चाहिए, और लेमन भी आप ले सकते हो, लेकिन दही से अच्छा टेस्ट आता है। इन दोनों को मैं आधा आधा लूंगी। अब यहां मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, और इसके साथ हमें चाहिए ये बोतल ली है, इसका पानी निकलेगा वो इसमें भरने के लिए, और छोटी सी डिश ली है, और आपको एक चाहिए ऐसा कट का। और आप इस तरह का भी ले सकते हो, और अगर आपके पास छन्नी है तो छन्नी ले सकते हो। और एक बोल लिया है इसमें रखने के लिए। इस तरह से हम रख देंगे। और यहाँ मैंने खट्टा दही लिया था, इतना भी खट्टा नहीं है, मीडियम खट्टा है, लेकिन आपको बहुत पुराना खट्टा नहीं लेना है। अगर आप बनाते हो तो पहले आप चेक कर लीजिए दही में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो वाला दही आपको नहीं लेना है। मेरा ये कल का ही था, वो वाला मैंने लिया है। और यहाँ मैंने क्रस पेपर लिया है पनीर में डालने के लिए, क्योंकि ये पनीर में सब्जी में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप मिठाई में यूज़ करने वाले हो तो पनीर में कुछ भी मत डालिएगा। अब हमारा दूध उबलना शुरू हो चुका है। अब दूध में बबल आना शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हो अब मैं डालूंगी इसमें दही। अगर खट्टा नहीं है तो मैं और भी दही उसमें डालूंगी। मैं स्टोव थोड़ा सा मीडियम हीट कर लूंगी। अब इसमें मुझे और दही चाहिए तो मैं और डालूंगी।
अमेरिका में इतना दूध जल्दी फटता नहीं है। अब आप देख सकते हो अब फटने लगा है। अब हमारा गैस का टेम्परेचर हाई है। मैं स्टोव बंद कर दूंगी। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब इस तरह से इसका पानी निकाल देना है। अब मैं इसे साइड पे रखूंगी और जो इसका पानी है वो मैं एक बोतल में भर लूंगी और ये पानी आप चपाती में, पिज्जा डो में यूज कर सकते हो। अगर आप पनीर मिठाई में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ मैंने ठंडा पानी लिया है। और इसी पनीर को हम पानी में इस तरह से डुबाना है, पानी ठंडा ही लेना है। इस तरह से आप दो तीन पानी चेंज करके उसको वॉश करना है।
अब यहाँ मैंने क्रश पेपर डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इस छन्नी में इस तरह डब्बा के इसमें से पानी निकाल देना है धीरे धीरे। आप इस तरह का कट का थोड़ा सा ठीक लीजिएगा। अब हम इसे इस तरह से फैला के रख देंगे। ये छोटी सी प्लेट है वो रख दूंगी। और इसके लिए चाहिए हमें वजन, तो मैंने यहाँ रस का दो डिब्बा लिया है। अब हम इसे ऐसे ही 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा पनीर भी रेडी हो गया है। मैंने 5 घंटे के बाद इसे फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। अब आपको मैं काट के दिखाती हूँ। ऐसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अब मैं इसे सब्जी में यूज करूंगी, पालक पनीर।